जनपद सरस्वती थाना क्षेत्र मल्लीपुर अंतर्गत ग्राम जमनाह बाजार हीरा सिंह राम जनकी मंदिर के प्रांगण में मंदिर समिति द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजन संपन्न हुआ। जनपद सरस्वती मल्लीपुर अंतर्गत जमनाह बाजार में हीरा सिंह में श्री राम जनकी मंदिर के समिति द्वारा सदियों से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है और आज इसी प्रकार प्रोटोकॉल ने गाइडलाइंस का पालन करते हुए संचालन रामू हिंदुस्तानी द्वारा मंच कार्यक्रम के आयोजित उपस्थित पूर्व प्रधान जमनाह भवनियापुर के राम कुमार सोनी के अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजित किया गया तथा मंच पर उपस्थित हिंदू युवा वहनी जिला प्रभारी हरीश जायसवाल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य संदेश दिया कि जब कोई रैली या इलेक्शन होता है तब कोई कोरोना नहीं फैलता और जब जब त्यौहार या कोई पर्व होता है तब कोरोना वायरस फैलने लगता है। यह संदेश दिया तथा सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर पवित्र त्यौहार होली की हार्दिक बधाई दी। उपस्थित लोगों ने संतोष कुमार जायसवाल, प्रसन्ननाथ मौर्या, पूर्व प्रधान जमनाह भवनियापुर राम कुमार सोनी, बीजेपी संयुक्त जमनाह किशोर लाल गुप्ता, बीजेपी जिला मंत्री सुंदर लाल मौर्या, ओम प्रकाश आर्य, केशव राम मौर्या व अन्य लोग उपस्थित रहे। जनपद सरस्वती से बुजो अहमद की रिपोर्ट। देखा क्या कोरोना है, आप साइकिल से जाइए कोई कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर मोटरसाइकिल पर बैठ कर चले गए और मास्क नहीं लगाया है कोरोना हो जाएगा, 500 रुपए का चालान कटेगा। अपने लाइव के माध्यम से हमारा लाइव पूरा क्षेत्र देख सका, पब्लिक एक पर डाला था, 2500 लोग उसको देख चुके हैं, नेताओं तक संदेश पहुंचा होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरा बताना चाहता हूं कि जितने भाजपा नेता है वो संदेश भेज दे, एक नियम लागू हो, एक चीज लागू हो, ऐसा थोड़ी है बिहार में रैली चल रही है, पिछले वर्ष जब कोरोना काल था बिहार में रैलियां हो रही थी, वहां कोई कोरोना नहीं था, लेकिन यहाँ कोरोना था। ये बात कहते हुए मुझे बिंदु हो रहा है, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक व्यक्ति ढूंढ कर दिखा दीजिए जिसने कोरोना काल में हमसे ज्यादा मेहनत किया, पूरे उत्तर प्रदेश में। और इन्हीं पूरे गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करता था कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। उस समय जब लोग घर के लोग अपने गांव के लोग अपने घर के लोग विदेश से प्रदेश से आते थे, दिल्ली मुंबई से आते थे, ऐसे दुनियाए जाते थे जैसे मालूम पड़ता है कि ये क्या लेकर आए गए, उसे कोई बोलने वाला नहीं, शिकायत करने क्या बता गए, ऐसे करते करते धीरे धीरे छटना गया, गुरु जी का जो है बताना आगे चलता गया। गुरु जी उससे निराश हो गए, उन्होंने कहा कि अरे भोलूराम मैं अब तुझे नहीं पढ़ा सकता, तो मेरी बातें ध्यान से सुनता नहीं है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो पता नहीं कहाँ रहता है और जो मैं पढ़ता हूँ तो पता भोलूराम को आ रहा है और अपना समय नष्ट कर रहा है, माता पिता तेरे तेरे प्रति उदासीन भाव से रहने लगे हैं, बच्चा मेरा कैसा हो रहा है, अब तू जा मेरा नाम बता सका। उसको कहा कि तुम बिल्कुल अब नहीं रखोगा,